धार जिले के मनावर तहसील के नर्मदा तट जहां हरियाली है और पूर्वजों द्वारा छायादार फलदार पेड़ अपने खेतों में और गांव की काकड़ पर लगा रखे हैं, जिन्हें इंदौर और आसपास के लकड़ी माफिया साठ गांट कर काट रहे हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लकड़ी माफिया वाकानेर और इंदौर निवासी है, जो बेखौफ होकर रोज ट्रैक्टर और ट्रकों से नीम के पेड़ और दूसरे पेड़ काट कर महंगे दामों में बेच रहे हैं। जबकि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में कुदरती आसियाना देकर इन पेड़ों ने क्षेत्र की रक्षा की है और संभावित तीसरी लहर में क्या होगा, यूपी ग्रामीण क्षेत्र प्रदूषण मुक्त है। हरियाली की वजह से अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जीवन कैसे होगा। समय रहते शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोता रहा तो एक दिन सारे पेड़ ये माफिया नष्ट कर देंगे। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।